नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारी स्टॉक एनालिसिस की तीसरी क्लास में। तो उसमें सबसे पहले वही डिस्क्लेमर कि भैया ये सिर्फ हमारा स्टॉक एनालिसिस है, हम कोई सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र या रिसर्च एनालिस्ट नहीं हैं। आपके किसी भी तरीके के प्रॉफिट और लॉस से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम लोगों को जो भी मल्टीबैगर या कोई भी स्टॉक हमको मिलता है, हमको लगता है कि इसमें कुछ बड़ा करने का दम है, ताकत है, तो हम लोग आप लोगों से शेयर कर देते हैं। चलिए, कुछ एरर था शायद, वो रेक्टिफाई हो गया है। तो सबसे पहले डिस्क्लेमर आ गया है आप लोगों के लिए और आगे चलते हैं हम अपन। सबसे पहले अपन रीकैप लेंगे कि पिछले 2 हफ्तों में हमने कुछ दो स्टॉक्स आप लोगों को एनालिसिस करके दिए थे, बट वो हमारा सिर्फ एक सजेशन था। हम वहाँ पे आपको अगर प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो देखते हैं, अपन आगे चलते हैं। जो पिछली दो क्लासेस थी उसमें 6 जनवरी को क्लास हुई थी सैटरडे, जिसमें हमने IRFC का एनालिसिस किया था, जो अभी चल रहा है 176 रुपये, ऑलमोस्ट 75% का रिटर्न दे चुका है। दूसरा स्टॉक जो 13 जनवरी यानी कि पिछले सैटरडे हमने बताया था, वो था इन्फीबीम एवेन्यू। 13 जनवरी को 26 रुपये 60 पैसे चल रहा था तब, अभी ये माइनस में चल रहा है, 26 रुपये 10 पैसे, 50 पैसे का लॉस है इसमें, है ना? तो वही बात वही आ जाती है कि ये सिर्फ हमारा एनालिसिस है, और ज़रूरी नहीं है कि एनालिसिस हर बार पास हो, बट एक स्टॉक ने आपको 75% का रिटर्न दिया है हमारे एनालिसिस के हिसाब से, दूसरे स्टॉक ने 2% का डाउनफॉल दिया है, ठीक है? और ये जो जितने भी स्टॉक्स हैं ये सब लॉन्ग टर्म के हैं, ऐसा नहीं है कि 1 हफ्ते 2 हफ्ते 1 महीना 1.5 महीना 2 साल, ये लंबे लॉन्ग टर्म के 10 साल 20 साल का आप इसमें अपना वो बना कर रखिए, ठीक है? और कोई भी स्टॉक अगर मल्टीबैगर बनेगा तो वो क्यों बनेगा, उसके पीछे के क्या रीजंस हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग बताते हैं दिखाते हैं आपको, है ना? ये सिर्फ और सिर्फ हमारा एक ही बार बार कहना रहता है कि भैया ये हमारा सिर्फ एनालिसिस है, किसी तरीके का कोई प्रॉफिट या लॉस आपको हो जाता है उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। चलिए तो आगे चलते हैं। इस दिस स्टॉक बिकम मल्टीबैगर नंबर 3। दो स्टॉक ऑलरेडी आप लोगों को हम लोगों ने एनालिसिस करके बता दिए हैं, ये तीसरा स्टॉक है। चलिए तो अब चलते हैं अपन, अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। भैया ये जो स्टॉक है हमारा, इसकी मार्केट कैप वैल्यू है 29,736 करोड़ रुपए, है ना? 29,736 करोड़ रुपए ये स्टॉक की मार्केट कैप है। हम जब भी कोई स्टॉक लेते हैं तो सबसे पहले उसका मार्केट कैप ही अपन को देखना होता है कि वो कितने हज़ारों करोड़ों रुपए की मार्केट कैप रखता है, कि क्या वैल्यू रखता है वो स्टॉक स्टॉक मार्केट में एज़ कम्पेयर टू अदर कंपनीज, है ना? तो इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो है 29,736 करोड़ रुपए, है ना? अभी इसका करंट प्राइस चल रहा है 49.2, यहाँ पे कुछ टाइपिंग एरर है, ये 49.2 है ना, ये कुछ टाइपिंग एरर आया है यहाँ पे। करंट प्राइस उसका चल रहा है 49.2, है ना? उसकी बुक वैल्यू है 22.5 और स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 57.8, है ना? ROC है इसका 8.67, ROE है 5.43, है ना? डिविडेंड भी देती है कंपनी, अभी कुछ दिन पहले इसने डिविडेंड दिया, है ना? अब जो मेरा एनालिसिस होता है, हम गांव वाला ट्रेडर वालों का जो एनालिसिस होता है उसमें एक चीज़ ये होती है कि सबसे पहले हम लोग कंपैरिजन करके बताते हैं मार्केट कैप वाइज या उसकी जो करंट मार्केट प्राइस है उसके अकॉर्डिंग, है ना? तो यहाँ पे समझने वाली बात ये होती है कि भैया मैं जब भी कोई स्टॉक लेता हूँ तो मैं सबसे पहले यही देखता हूँ, उसको कंपेयर करता हूँ कि अच्छा ये जो मल्टीबैगर है इसका मार्केट कैप और दूसरे कंपनीज का मार्केट कैप, यहाँ पे 3 नाम दिख रहे हैं, मतलब 2 नाम दिख रहे हैं आपको, एक का नाम लिखा है GR इंफ्रा प्रोजेक्ट, दूसरे का नाम लिखा है इरकॉन इंटरनेशनल। GR इंफ्रा प्रोजेक्ट दिख रहा होगा आपको,
लेफ्ट हैंड साइड में, इसका मार्केट कैप है 11,243 करोड़ रुपए, है ना? जी आर इंफ्रा प्रोजेक्ट मार्केट कैप 11,243 करोड़। दूसरा स्टॉक है इरकॉन इंटरनेशनल, जिसका मार्केट कैप है 25,125 करोड़, है ना? तीसरा, यानी कि जो हम लेके आए हैं उसका मार्केट कैप है 29,736, विच मीन्स मार्केट कैप जो हम मल्टीवेगर लेके आए हैं उसका सबसे ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर टू स्टॉक्स, है ना? चलिए अब देखते हैं जनरली क्या है कि भैया जी आर इंफ्रा प्रोजेक्ट जो है, अगर वो 11,243 का मार्केट कैप लेके बैठा है तो मे बी पॉसिबल हो सकता है कि जो हमारा मल्टीवेगर है उससे ये सस्ता होना चाहिए, है ना? इरकॉन इंटरनेशनल दूसरे नंबर पे लिखा है, जिसका मार्केट कैप है 25,125 करोड़, तो ये भी अपने वाले मल्टीवेगर से सस्ता होना चाहिए जो सामने दिख रहा है आपको मार्केट कैप के अकॉर्डिंग, है ना? देखते हैं अगली स्लाइड में क्या है। अब देखिए जी आर इंफ्रा प्रोजेक्ट मार्केट कैप है 11,243 करोड़ रुपए, और उसका करंट मार्केट प्राइस है 1162.80। 4 डिजिट का मार्केट प्राइस है उसका, 1162, है ना? अच्छा, इसकी फेस वैल्यू भी 5 रुपये, फेस वैल्यू भी 10 रुपये नहीं है इसकी, जी आर इंफ्रा प्रोजेक्ट की बात हो रही है ना? दूसरा है इरकॉन इंटरनेशनल, जिसका जिसका मार्केट कैप आपको पिछली स्लाइड में भी दिखाया था 25,125 करोड़ रुपये, जिसका करंट मार्केट प्राइस है 267.15, इसकी फेस वैल्यू है 2 रुपये। अब जो हम मल्टीबैगर लेके आए हैं उसका मार्केट कैप है 29,736, इन दोनों से ज़्यादा, लेकिन मार्केट प्राइस है उसका 49.24। समझ रहे हैं आप लोग कि ये स्टॉक क्यों मल्टीबैगर बनने की ताकत रखता है? सामने दिख गया होगा आपको, पिछली स्लाइड पर मैं लेके चलता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए तीनों का कंपैरिजन आप देख लो, जी आर इंफ्रा प्रोजेक्ट जो कहीं ना कहीं 4 डिजिट में है, इरकॉन इंटरनेशनल 3 डिजिट में है, लेकिन ये मल्टीबैगर ज़्यादा मार्केट कैप के साथ कम प्राइस बैंड का है ना? ये देखिए आप, आगे चलते हैं। अब इस कंपनी का जनरली हम लोग जो है उसमें प्रॉफिट देखते हैं कि ईयर ऑन ईयर इसने कितना प्रॉफिट कमाया है एज अ कंपनी। तो 2021 में इसका प्रॉफिट था 117 करोड़ रुपए, 2022 में प्रॉफिट बढ़ के हो गया 361 करोड़ रुपए, और 2023 आते आते इसका जो प्रॉफिट है ऑलमोस्ट 361 से बढ़ के 720, यानी तीनों बार इसने डबल जंप किया है, 117 से 361 और 361 से 720 करोड़, है ना? अब ये प्रॉफिट बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा वो अपन आगे की स्लाइड में आप लोगों को पता चलेगा, है ना? और ये जो स्टॉक है इसकी एक मैं हिंट दे सकता हूँ आपको, जो मैंने पीछे भी आपने देखा होगा कंपेयर किया था मैंने जी आर इंफ्रा और इरकॉन इंटरनेशनल, है ना? तो जी आर इंफ्रा जो स्टॉक है वो इंफ्रा रिलेटेड प्रोजेक्ट्स करता है, ये कंपनी भी इंफ्रा रिलेटेड काम करती है, ठीक है? आगे चलते हैं अगली स्लाइड में, देखते हैं क्या है शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में जनरली अपन को फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, पब्लिक और प्रोमोटर की होल्डिंग देखना होती है। अब इसमें आप देखेंगे प्रोमोटर की जो होल्डिंग है वो 34% है, 34.39, पब्लिक की जो होल्डिंग है 10.59, और FII DII जो है इसमें FII जो है वो सबसे ज़्यादा एक्टिव है इस स्टॉक के अंदर 47%, और DII है 7%। अब मैं ऐसा बोल रहा हूँ आपको कि FII इसमें ज़्यादा एक्टिव हैं तो मे बी पॉसिबल ये स्टॉक FII चला रहे होंगे, है ना? लेकिन वो जो 7% दिख रहा है ना आपको, जो DII, ये DII मतलब डोमेस्टिक यानी इंडियन लोग, है ना? प्रोमोटर की होल्डिंग 34%, है ना? और पब्लिक है 10.59, है ना? अब मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ, ये मतलब अभी तक के जो एनालिसिस है, पिछले दो एनालिसिस में है अपन ने उसमें जो भी डिस्कस किया उसमें अपन ने ये डिस्कस नहीं किया था कि भैया ये जो FII है ये कौन है या DII है ये कौन है, पिछले स्टॉक्स में ये एनालिसिस नहीं किया था अपन ने। ये स्टॉक और ज़्यादा बेस्ट इसलिए बन जाता है क्योंकि इसमें जो FII और DII आपको दिखेंगे ये कुछ अलग तरीके के FII DII दिखेंगे, है ना? वो भी आगे की स्लाइड में पता चलेगा आपको, है ना? अब मेरा आप लोगों से ये क्वेश्चन है कि कोई भी स्टॉक जिसमें प्रोमोटर होल्डिंग अगर 34% है, है ना,
और मैंने जो जहां तक आप लोगों का एनालिसिस बताया कि मिनिमम 50% की प्रोमोटर होल्डिंग होना चाहिए और यहां पे 34% है, तो आपको ये नहीं लेना था स्टॉक, तो आप ये एनालिसिस क्यों कर रहे हो, है ना? ये प्रश्न जायज है, मतलब आप लोगों को आ रहा होगा दिमाग में, क्या 34% ही होल्डिंग है तो फिर इस स्टॉक को क्यों लिया है। तो मेरा प्रश्न आप लोगों से ये है कि क्या किसी स्टॉक में अगर FII 47% है तो उस स्टॉक को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये क्वेश्चन है मेरा। कमेंट करके बताइए आप लोग कि कोई भी स्टॉक अगर FII ने 47% होल्ड किया हुआ है तो वो स्टॉक हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अभी तक आपने ये तो मुझसे सुन लिया, मेरे मुँह से हमेशा सुनते हैं कि 50% प्रोमोटर की होल्डिंग है वो स्टॉक बहुत अच्छा, लेकिन यहाँ पर रिवर्स है ना चीज, FII ने 47% होल्ड किया हुआ है उसको, तो ये स्टॉक अच्छा है या नहीं है मुझे आप कमेंट करके बताइए, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, कमेंट करिए। हाँ शिवेश जी बोल रहे हैं लेना चाहिए, अच्छा ये मेरे एनालिसिस के हिसाब से मत डिसाइड करिएगा कुछ भी, है ना, ये सिर्फ हमारा एनालिसिस है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है, है ना। आप लोगे नहीं लोगे उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो, हम रिस्पॉन्सिबल नहीं। आपको प्रॉफिट होगा बहुत अच्छी बात है, लॉस होगा तो और भी अच्छी बात है, है ना, हम सिर्फ एनालिसिस बता रहे हैं आपको। चलिए आगे चलते हैं, अपन आगे चलते हैं। चलिए मैंने पीछे प्रश्न आपसे इसलिए पूछा था कि यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा खुल के चीजें बताने वाला हूँ, अभी तक पिछले दो एनालिसिस में मैंने ये चीजें नहीं बताई आपको, इस एनालिसिस में बताऊंगा कि इसमें FII जो 47% है वो कौन है, और जो DIA है 7.85% वो कौन है। अब इसमें है ना आपको देखिए FII वाली जो विंडो है वहाँ पे तीसरे नंबर पे, सॉरी चौथे नंबर पे दिख रहा होगा गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, चौथे नंबर पे लिखा है गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, मतलब इसमें होल्डिंग जो है वो गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर की होल्डिंग है ना। इन्होंने जो FII है 47% उसमें गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल, कुवैत इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर, HSBC ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फंड्स, इंडियन इक्विटी, है ना, स्टैनफोर्ड बी बर्नस्टाइन फंड, द वेलिंगटन ट्रस्ट कंपनी, नेशनल एसोसिएशन, ABFCP इमर्जिंग मार्केट ग्रोथ पोर्टफोलियो, प्लेटिनम एशिया फंड, ब्रिकलेयर्स इन्वेस्टमेंट PTE लिमिटेड, सेंट्रा INR इन्वेस्टमेंट BV। ये वो लोग हैं जो सारे फंड हाउसेस हैं, ठीक है, इसमें सिर्फ फंड हाउसेस कुछ हैं, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर मतलब जो सिंगापुर है उस कंट्री को आप देखेंगे वो सिर्फ अपने डेवलपमेंट आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर्स के लिए जानी जाती है। वो कंपनी ने इस स्टॉक में अपना पैसा डाला हुआ, मतलब वहाँ की सरकार ने, सिंगापुर की सरकार ने एक ऐसे स्टॉक में पैसा डाला है जिस जो अभी सिर्फ 49 रुपये का चल रहा है ना। आपको ये चीज़ें समझना होती हैं, अभी तक के मेरे एनालिसिस में आपने ये चीज़ नहीं देखी होगी, मैं यहाँ क्यों दिखा रहा हूँ, मैं आपको मेरे हर बार के एनालिसिस में कुछ नया देखने को मिलेगा। आप जब राजेंद्र जी को सुनते हैं तो आप देखते होंगे कि वो कुछ अलग, बहुत बार कुछ ऐसी चीज़ें बता जाते हैं जो शायद आपने कभी सोची भी नहीं होगी, लेकिन वो बता देते हैं। सेम चीज़ ये जो FII DII वाली चीज़ है, अभी तक मैंने कभी डिस्क्लोज नहीं करी आप लोगों से, पिछली दो क्लास में डिस्क्लोज नहीं किया था मैंने कि FII कौन DII कौन। यहाँ पर डिस्क्लोज करने का रीज़न ये था कि किसी दूसरे देश की गवर्नमेंट एक इतने छोटे स्टॉक में पैसा डाल रही है, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने पैसा डाल रखा है, गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल, कुवैत इंटरनेशनल, है ना, मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर, HSBC ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फंड, है ना। ये आप इनको जब सर्च करेंगे तो आपको एक्चुअल पता चलेगा कि ये कितना ज़्यादा पैसा होल्ड करके बैठे हैं, है ना। आप ऐसा नहीं है कि किसी ने उठा के और ख़रीद ली ये चीज़, आप जब उसको सर्च करेंगे और उसका पूरा सब पता करेंगे ना, उस फंड के बारे में, उस गवर्नमेंट के बारे में या उस पर्टिकुलर ट्रस्ट के बारे में, तो आपको ये पता चलेगा कि वो पर्टिकुलर कंपनी या वो पर्टिकुलर ट्रस्ट कितना ज़्यादा पैसा होल्ड करके बैठी है। और वो अगर इतना पैसा होल्ड करके बैठी है तो उसने इसमें अगर 47% पैसा लगा के रखा है स्टॉक में, तो कहीं ना कहीं आप समझिए कि ये स्टॉक मल्टीबैगर बनने की ताकत रखता होगा इन फ्यूचर, है ना। चलिए ये तो मैंने सिर्फ अभी FII की बात करी, यहाँ पे DII में बहुत सारे ऐसे फंड लिखे हुए हैं जो आपने शायद देखे होंगे, सुने होंगे, समझे होंगे, किसी ने होल्ड भी किए होंगे। सबसे पहले नंबर पे लिखा है आदित्य बिरला सन लाइफ ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड, है ना, आदित्य बिरला को कौन नहीं जानता आज के टाइम में,
सारे लोग जानते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। हर घर में एक लाइफ इंश्योरेंस होता ही होता है। एक एजेंट आता है, वो आपको लाइफ इंश्योरेंस दे के जाता है ना। आपके यहाँ बॉन्ड रखा होगा, जिसके यहाँ LIC के बॉन्ड रखे हैं कमेंट करके बताओ मेरे को, जिस जिसके यहाँ LIC के बॉन्ड रखे हैं अभी कभी कमेंट करके बताओ मेरे को कि भैया मेरे घर में तो LIC है, एक एजेंट आया था चिपका के गया था मेरे को, है ना। तो वो जो पर्टिकुलर LIC या लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है उसकी होल्डिंग है इस पर्टिकुलर स्टॉक में। SBI मैग्नम टैक्स गेन स्कीम, SBI पता ही है आपको, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारत का सबसे बड़ा सरकारी बैंक। SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी, आदित्य बिरला सनलाइफ, SBI आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटीज, क्वांट म्यूचुअल फंड, आदित्य बिरला सनलाइफ ट्रस्टी, UTI लॉन्ग टर्म इक्विटी, बिरला सनलाइफ ट्रस्टी, क्वांट म्यूचुअल, मतलब ओवरऑल HDFC ट्रस्टी। ये वो लोग हैं जो अभी के टाइम में सबसे ज़्यादा पैसा होल्ड करके रखे हुए हैं इस स्टॉक में, नहीं बट पूरे AMC जिसको बोलते हैं अपन, असेट मैनेजमेंट कंपनीज। ये वो कंपनियां हैं जो सबसे ज़्यादा म्यूचुअल फंड से असेट मैनेजमेंट मैनेज करती हैं, है ना। ये वो कंपनीज हैं। आगे चलते हैं अपन, अब आते हैं अपन मेन पॉइंट पे कि भैया ये जो पर्टिकुलर कंपनी है ये क्या करती है। ये इंफ्रा का काम करती है, मैंने बता ही दिया आप लोगों को, है ना। रोड कंस्ट्रक्शन का काम करती है, बता ही दिया, रोड वोड बने हुए हैं, कारें वारें चल रही है बराबर, है ना। दिख रहा होगा आपको साइड में जो फोटो बना है उसमें, समझ में आ रहा होगा देख के। अब इनके पास में है 26 हाईवे प्रोजेक्ट्स अक्रॉस 12 इंडियन स्टेट्स। भारत के 12 स्टेट्स के 26 हाईवे प्रोजेक्ट्स हैं इनके पास में, है ना। असेट बेस ऑफ 77,000 करोड़, 77,000 करोड़ रुपए का असेट बेस है इनका। 15,500 लेन किलोमीटर अंडर ऑपरेशन, मतलब पूरे भारत में 15,500 किलोमीटर के रोड ऑपरेशंस इनके पास में है जिनमें काम चल रहा है अभी, है ना। 20% शेयर इन गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट। अब ये नया वर्ड है, टेक्निकल वर्ड है, आप लोगों को नहीं पता है तो मैं बता दूं। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट मतलब जो भारत की मेट्रो सिटीज हैं, दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, है ना, ये मेट्रो सिटीज़ हैं अपनी, इनकी कनेक्टिविटी जो होती है, वो जो कनेक्टिविटी रोड्स हैं उसका 20% शेयर इनके पास में रोड कनेक्टिविटी का, ठीक है। 64 टोल प्लाजास विथ 736 फास्टैग कंप्लायंट लेन्स, 64 टोल प्लाजा हैं इनके पास में जिसको ये मैनेज कर रहे हैं पूरे भारत के, 64 टोल प्लाजा, उसमें 736 फास्टैग कंप्लायंट लेन्स हैं। मतलब अगर 64 टोल प्लाजा है उसमें 736 फास्टैग कंप्लाइंट लेन्स है इनके पास में, जहां से 1.3 मिलियन व्हीकल्स रोज उस रोड से गुजरते हैं जिनका टोल ये मैनेज करते हैं, जिनके फास्टैग ये मैनेज करते हैं। मतलब मैंने जब ये चीज पढ़ी थी तो मेरे दिमाग में सबसे पहले ये आ रहा था 49 रुपए, 64 टोल प्लाजा, 15,500 किलोमीटर का अंडर ऑपरेशन, 77,000 करोड़ का असेट बेस, 26 हाईवे प्रोजेक्ट, 12 स्टेट्स के, और स्टॉक मिल रहा है मात्र 49 रुपए में। ये कुछ ऐसी चीजें होती है ना जो आपको देखना होती है, पढ़ना होती है, समझना होती है, पर किसी को नहीं पढ़ना है तो ना समझना है बस, ठीक है। एनालिसिस हो गया, स्टॉक पता चल गया, वैसे भी ये तो एनालिसिस ही है, उससे ज़्यादा कुछ है नहीं। अब मेरे को कमेंट करके बताओ कितने लोग ये स्टॉक, जो जब ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद किसी को ये स्टॉक का नाम पता चला हो, तो किसी को पता चला हो कि यार ये कौन सा स्टॉक है, कोई बता पा रहा हो। इतना तो पता चल ही गया है कि भैया हाईवे कंस्ट्रक्शन का काम है, इतना तो पता चल ही गया ना, हाईवे कंस्ट्रक्शन कर रही है ये कंपनी, तो कुछ तो पता चला ही होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि नहीं पता चला होगा, कुछ भी अगर ऐसी हिंट आ रही हो कि यार ये कौन सा हो सकता है ये वाला स्टॉक, बता दो, करो कमेंट करो फटाफट। मतलब इस पूरे ये जो स्लाइड है ना, ये स्लाइड ऐसी स्लाइड है जो आपके ज्ञान चक्षु खोल देगी कि जो कंपनी 1.3 मिलियन व्हीकल्स के टोल प्लाजास डेली कलेक्ट कर रही है 736 फास्टैग के साथ,
1.3 मिलियन व्हीकल रोज, एक दिन में 1.3 मिलियन व्हीकल। और सबको पता है कि जब आप कार लेके किसी भी टोल से गुजरते हो तो आपको कितने पैसे देना होते हैं, एक बार उसको कैलकुलेट कर लेना कि 1.3 मिलियन इनटू अपन 20 रुपये ही ले लेते हैं कि भैया आप जब कार लेके जाते हो तो 20 रुपये 25 रुपये का टोल आप देते हो, उसको आप कैलकुलेट कर लेना रोज के 1.3 मिलियन व्हीकल है ना। चलिए अभी अगर कोई बता नहीं पाया कमेंट में कि कौन सा स्टॉक है तो चलो आगे चलते हैं अपन। चलिए अब एक इसमें मैंने ये इनकी वेबसाइट से कुछ चीज़ें निकाली है तो वो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। इनके पास में अहमदाबाद वडोदरा 6 लेन एक्सप्रेसवे और अहमदाबाद वडोदरा NH 48 हाईवे, गुजरात स्टेट का इनके पास में काम है और इनका क्लाइंट है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI, है ना। वो लेन है 987 किलोमीटर की, 987 किलोमीटर का रोड ये बना के दे रहे हैं अहमदाबाद वडोदरा 6 लेन एक्सप्रेसवे, जिसकी प्रोजेक्ट की कॉस्ट है 4,880 करोड़ रुपए और कंसेशन पीरियड है 25 साल। 25 साल के लिए वो रोड का इनको मिला हुआ है, पूरा ऑपरेशनल इनके पास में है। अगला रोड ये बना रहे हैं मीरठ बादोन 6 लेन एक्सप्रेसवे, एक्सपांडेबल टू 8 लेन, अभी 6 लेन है, आगे चल के एक्सपांड होके वो 8 लेन हो जाएगा, है ना। इसी बीच में ये पार्ट है गंगा एक्सप्रेसवे रूट का, जो कि इन्हीं का पार्ट हुआ है। टोटल 11,400 करोड़ अप्रोक्स है ना, इसको बिल्ड भी करेंगे, ये ऑपरेट भी करेंगे, ट्रांसफर भी करेंगे, BOD बोला जाता है इसको, ठीक है। ये प्रोजेक्ट भी है इनके पास में, टोटल कॉस्टिंग है 11,400 करोड़ रुपए। अब यहाँ पे वर्ड लिखा है छोटे छोटे अक्षर में है, वो समझ नहीं आएगा आप लोगों को, तो मैं सिर्फ पढ़ के बता देता हूँ। कैथल राजस्थान 4 लेन प्रोजेक्ट हरियाणा, आगरा इटावा 6 लेन प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश, ऐसे ही ऑलमोस्ट 14 प्रोजेक्ट्स हैं इनके पास में, टोटल 14 प्रोजेक्ट्स है ना, जिनकी अप्रोक्सीमेट कॉस्ट है 43,041 करोड़ रुपये अप्रोक्स, ठीक है। पीछे कितना बताया था 11,400, अभी कितना बताया 43,041, कितने हो गए, इतना तो मार्केट कैप नहीं है कंपनी का, जितने के प्रोजेक्ट्स दिख रहे हैं ना आपको, ये जो प्रोजेक्ट्स दिख रहे हैं आपको 11,400 करोड़ और 43,041, इतना तो मार्केट कैप नहीं है उस कंपनी का, जितने वो रोड बना रही है, जितने वो प्रोजेक्ट्स हैंडल कर रही है, मैनेज कर रही है, समझो समझो थोड़ा सा। जब एनालिसिस करते हो किसी भी स्टॉक की तो ये सब चीज़ें देखना होती है, ऐसे थोड़ी कोई चीज़ मल्टीबैगर हो जाती है। अब जिसका जितना मार्केट कैप नहीं है उससे ज़्यादा के वो रोड बना के दे रही है पूरे भारत को, है ना, और उनके क्लाइंट्स भी सारे गवर्नमेंट वाले ही हैं, कोई भी हल्का पतला आदमी नहीं है, सारे नेशनल हाईवे बना रहे हैं वो, सारे नेशनल हाईवे, और इस लेवल की कनेक्टिविटी है कि पूरे भारत में, पीछे की स्लाइड में बताया है ना मैंने, पूरे भारत की 15,500 किलोमीटर की लेन है उनके पास में रोड कंस्ट्रक्शन की, है ना। मेरे को बहुत अच्छे से याद है, मैं खाटू श्याम गया था, खाटू श्याम बाबा बहुत ज़्यादा अभी उनका चलन में आ गए हैं वो, और बहुत अच्छे भगवान है वो, तो उस वो राजस्थान होते हुए गया था मैं बाय कार, बहुत जगह मैंने ये जो कंपनी है इसके बैनर लगे हुए देखे, उसके बाद ही मेरी नज़र में आई कंपनी, क्योंकि ऐसे ऐसे जो स्टॉक्स होते हैं ना, ये कोई भी आपको बताएगा नहीं इतने अच्छे से, है ना। तो क्या है कि थोड़ा सा देखो समझो परखो, लेना नहीं लेना आपके ऊपर है, बट द इश्यू इज कि हमको ये पता ही नहीं होता है कि यार एक्चुअल में ये जो लिखा है ये है क्या, कितनी जगह टोल कटा मेरा, कितनी ही जगह टोल कटा, आधी से ज्यादा जगह पे मेरे को ये कंपनी का नाम लिखा हुआ मिला, आधी से ज्यादा जगह, है ना। तो चलिए अभी भी अगर किसी को लग रहा है, कोई ये लग रहा है कौन सा स्टॉक हो सकता है तो पूछ सकते हैं, मतलब लिख सकते हैं आप कमेंट में, है ना, बिल्कुल लिख के बताएं आप कि कौन सा स्टॉक है ये, बिल्कुल लिखिए, जो भी लोग देख रहे हैं मुझे लाइव वो लिखिए तो और पता चलेगी चीज़ें, बाकी आगे तो रिवील करता ही हूँ मैं, रिवील तो कर ही दूंगा, उसमें कोई वो बड़ा मैटर नहीं है ना। चलिए आगे चलते हैं, एक कोई प्रोजेक्ट और है इनके पास में जो है हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल के नाम से, ठीक है, ये गुजरात हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु,
है ना, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु, है ना, 3300 करोड़ का प्रोजेक्ट है ये। आगे चलते हैं, ये सबसे अच्छी स्लाइड है कि अभी तक अपन सिर्फ रोड कंस्ट्रक्शन की बातें कर रहे हैं। एक सिंधुदुर्ग एयरपोर्ट है महाराष्ट्र में, वो जो एयरपोर्ट है वो एयरपोर्ट का पूरा काम इनके पास में है, पूरा काम, है ना। तो क्या है कि जो भी स्टॉक्स होते हैं, अब आप समझिए कि वो रोड कंस्ट्रक्शन से सीधे एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन में भी उतर रहे हैं, है ना। जीएमआर इंफ्रा प्रोजेक्ट आपने देखा होगा पीछे, जो मैंने स्लाइड में दिखाया इंफ्रा प्रोजेक्ट, आपको वो देख लो और ये देख लो आप, आपको ये समझ में आएगा कि ये कितना अंडर वैल्यू है स्टॉक। अभी मैं हमेशा कंपेरिजन जब करता हूँ तो मैं यही चीज़ें कंपेयर करता हूँ, है ना, कि इसमें अपन को सबसे पहले यही देखना होता है कि यार ये कितना अंडर वैल्यू है स्टॉक। क्या होता है, आप एमआरएफ को देखोगे, उसका जब मार्केट कैप देखोगे और उसका मार्केट प्राइस देखोगे तो आप हैरान हो जाओगे कि साला 1-1.5 लाख रुपए का प्राइस है इसका और इसका मार्केट कैप तो इतना कम है ना। वहीं पे ये रिवर्स चीज़ है कि इसका प्राइस कम है लेकिन मार्केट कैप ज़्यादा है। और हमेशा याद रखना, जब रोड कंस्ट्रक्शन या रोड प्रोजेक्ट की बात आती है, रोड कंप्लीट होते जाता है पैसा मिलते जाता है, रोड कंप्लीट होते जाता है पैसा मिलता जाता है। तो यहाँ पे ये कहानी है कि इनके पास में अभी फिलहाल ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे जैसे रोड कंप्लीट करते जाएंगे इनके प्रोजेक्ट्स, इनको पैसा मिलता जाएगा, इनका मार्केट कैप बढ़ता जाएगा, प्रॉफिट बढ़ता जाएगा, उसके अकॉर्डिंग इनको काम मिलते जाएंगे, है ना। बहुत सा इस स्टॉक के बारे में बताने के लिए बहुत कुछ है मेरे पास, बहुत कुछ है बताने के लिए। ये अपने पैर दूसरे देशों में भी फैला रहे हैं रोड कंस्ट्रक्शन के नाम से, है ना। चलिए, तो एयरपोर्ट भी कंस्ट्रक्ट करने वाली है कंपनी। अब ये कंपनी मेरे को क्यों लगता है, वाई दिस स्टॉक बिकम मल्टीवेगर, सबके दिमाग में आ रही होगी ये बात कि ये स्टॉक क्यों मल्टीवेगर बन सकता है। तो यहाँ पे एक पूरा सा चार्ट दिख रहा होगा आपको, इसमें साफ साफ देखो आप, इंडियन हाईवे लिखा हुआ है ना, उनका खाली 1212 किलोमीटर ही, मतलब 1212 किलोमीटर ही ऑपरेशनल है। HIT करके कंपनी है उसका 1710, ओरिएंटल 3398, उसके पास वाला नाम बहुत फेमस नाम है, जो चार्ट का जो चौथे नंबर का नाम है ना, नीचे से ऊपर की तरफ आप जाओगे, जब डाउन टू अप की तरफ जाओगे तो चौथे नंबर पे एक बहुत फेमस नाम लिखा हुआ है, बहुत ही फेमस, मतलब इससे फेमस कुछ हो नहीं सकता है पूरे इंडिया में स्टॉक मार्केट के अंदर। वो पे लिखा हुआ है अडानी, मेरे को बहुत अच्छे से याद है, कुछ एक महानुभाव है वो ये बोलते हैं कि आप बटन दबाओगे तो पैसा अडानी के पास जाएगा, ठीक है। अब ये वीडियो देखने के बाद आप ये बोलोगे कि भैया मैं अगर रोड पे चलूंगा तो पैसा अडानी के पास नहीं जाएगा, ये जो मल्टीवेगर है इसके पास जाएगा, है ना। आप जब टोल क्रॉस करोगे तो पैसा अडानी के पास नहीं जाएगा और इसके पास जाएगा, है ना। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे इस चार्ट को, इसमें सबसे ज्यादा जो रोड कंस्ट्रक्ट कर रही है वो यही कंपनी है, ये अडानी लिखा हुआ है आप चौथे नंबर पे जो देख रहे हो ना अडानी। तो जो लोग ये बोल रहे हैं कि भैया सारे प्रोजेक्ट अडानी को मिलते हैं, ऐसा है नहीं, है ना, ये बिल्कुल, ये जिसको भ्रम है निकाल दो भ्रम दिमाग से अपने, है ना, ये भ्रम बिल्कुल दिमाग से निकाल देना कि हर चीज अडानी को मिलती है। जो अगर ये सोचता है, जो अगर ये बोलता है, उसको मैं यही कहूंगा कि भैया पहले थोड़ा सा घूमो फिरो मार्केट में तो पता चलेगा कि हर चीज अडानी को नहीं मिलती है ना, उससे भी बढ़िया और बहुत अच्छे लेवल की चीजें पड़ी हुई है मार्केट में, और ये बहुत अंडर वैल्यू है स्टॉक, बहुत अंडर वैल्यू है ना, ठीक है। चलिए, स्टॉक का नाम है IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड, है ना। बहुत बहुत बधाई आपको, तीसरा मल्टीवेगर एनालिसिस करके दिया हमने। अब जैसा कि हमने आपको ग्रुप में बताया था कि कुछ एक अनाउंसमेंट होने वाला है आज, आज की जो क्लास है उसमें कुछ एक अनाउंसमेंट होने वाला है स्पेशल, है ना। और अभी इसका चार्ट एनालिसिस बाकी है ना, ये अभी सिर्फ और सिर्फ आपको ये चीज़ें बताई गई है जो आप एज एन इन्वेस्टर देखते हो। अभी इसका चार्ट एनालिसिस बाकी है, उसके पहले अनाउंसमेंट की आधी चीज़ें मैं बता देता हूँ कि क्या अनाउंसमेंट है। अनाउंसमेंट ये है कि हम लोग एक मल्टीवेगर स्टॉक लिस्ट बना रहे हैं। अभी क्या हो रहा है कि हम लोग सिर्फ एक मल्टीवेगर वीकली दे पा रहे हैं आपको, है ना, एक मल्टीवेगर आपको सिर्फ वीकली मिल रहा है ना। तो अभी ये जो स्लाइड है, ये अभी राजेंद्र जी चार्ट एनालिसिस कर देंगे, उसके बाद बची हुई स्लाइड ये बताएंगे आपको, है
है ना राजन जी, आप ये बची हुई स्लाइड जो है इसके बाद में बताइएगा और उसमें फिर अपन डिस्कस करेंगे, है ना? तो ठीक है, ओवर टू यू राजन जी, इसका चार्ट एनालिसिस आप बता दीजिए, तो फिर देखते हैं आगे क्या होता है। थैंक यू योगेश भैया, आपने बहुत ही अच्छा मल्टीबैगर ढूंढा है और उसका फंडामेंटल एनालिसिस बताया हमारे सब्सक्राइबर्स को। आई होप सभी लोगों को अच्छा पसंद आ रहा होगा। और जो हमारा स्टॉक एनालिसिस है, निफ्टी बैंक निफ्टी का तो है ही, साथ में हमने जो आप लोगों के लिए स्टॉक का भी एनालिसिस करना चालू किया है, तो ये हमारा तीसरा स्टॉक है। हम हर सैटरडे ये लेकर आते हैं स्टॉक की क्लास। तो अभी जैसे हमने पहले दिया था आप लोगों को अच्छा IRFC, और दूसरा हमने दिया था इन्फीबीम। तो IRFC तो आपको 15 डेज के अंदर ही लगभग लगभग 76% का रिटर्न दे चुका है ना? 101 रुपये में जब हमने एनालिसिस किया था तब ये 101 रुपये पे था, और आज की डेट में वो चल रहा है 176 पे, है ना? तो 76% का रिटर्न दे चुका है मात्र आपको 15 दिनों के अंदर। तो मे बी पॉसिबल कि ये स्टॉक भी आपको मल्टी बैगर होता हुआ दिखाई दे, लेकिन यहाँ पे क्लियर बता देना चाहता हूँ कि वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट, सो दैट वी आर नॉट सजेस्टिंग दीज स्टॉक्स, है ना? तो ये आपका खुद का डिसीजन होगा कि आपको स्टॉक बाय करना है कि नहीं करना है, ये आपका खुद का डिसीजन होगा। हम तो यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ उस चार्ट का, उस स्टॉक का एनालिसिस बता देते हैं कि भैया हमने इस पे देखा फंडामेंटली स्टॉक स्ट्रॉन्ग है। और चलिए आप लोगों को मैं शुरू करता हूँ चार्ट एनालिसिस में बता देता हूँ उस IRB इंफ्रास्ट्रक्चर का। तो ये मैंने चार्ट उसका ओपन कर रखा है, इसको हम एक बार मंथली टाइम फ्रेम में चल के देखेंगे। शुरुआत हम मंथली टाइम फ्रेम से देखेंगे, तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि मंथली टाइम फ्रेम में कितना बेहतरीन मूवमेंट कर चुका है ये, और कर भी रहा है अभी कंटिन्यू, हर महीने ये हर महीने आगे बढ़ता जा रहा है ना? तो ये आपका देखो यहाँ से, ये हमारा 1 अगस्त 23 से कंटिन्यू हर महीने बढ़ता जा रहा है, ऊपर ही जा रहा है, कहीं रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। ठीक, सेम टू सेम अगर हम देखें यहाँ पे, इसको मंथली से हटा के अगर हम वीकली टाइम फ्रेम में लेके चलते हैं, तो वीकली टाइम फ्रेम में भी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, देखिए थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन तो होता है, चाहे वो स्टॉक हो चाहे ऑप्शन चेन हो। जब तक कंसोलिडेशन नहीं होता है, आज मेरा पेन काम नहीं कर रहा, मैं बता नहीं पा रहा हूँ, यहाँ पे बता देता हूँ। जब तक, जब इस तरह का कंसोलिडेशन हो जाता है, तो फिर चाहे वो स्टॉक हो चाहे हमारे ऑप्शन चेन का एनालिसिस हो, ये बेहतरीन काम करता है और कंटिन्यू ऊपर जाता है। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ से जब से ये इसको ब्रेकआउट मिला है, तो कंटिन्यू ये इस लेवल से ऊपर जाता जा रहा है, 31 से 49 पहुँच गया है, मतलब 50 पहुँच गया है। ठीक है, अब अगर हम इसको डेली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं, तो डेली टाइम फ्रेम में भी ये कंटिन्यू ऊपर ही जा रहा है। थोड़ा बहुत देखिए कंसोलिडेशन तो ज़रूरी है, थोड़ा बहुत तो कंसोलिडेशन होगा, और कंसोलिडेशन नहीं होगा तो वो ऊपर कैसे जाएगा? और साथ में आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो ये हम मूविंग एवरेज यूज करते हैं 30 EMA का, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, ये कंटिन्यू आप देखो, ये ब्लैक कलर की लाइन आपको जाती हुई दिखाई दे रही है, ये इससे चिपक के चल रहा है। कोई भी स्टॉक हो चाहे ऑप्शन का एनालिसिस हो, हम क्या करते हैं, जब इसके नीचे कोई भी कैंडल ब्रेक करके और इसके नीचे अगर क्लोजिंग दे देगी, तो हम मानेंगे कि इसमें लंबा कंसोलिडेशन आ चुका है। लेकिन जब तक इस 30 वाली लाइन के ऊपर ये कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, तो हमको डरने की ज़रूरत नहीं है। अभी देखिए अगर डेली टाइम फ्रेम की बात करें, तो डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पे इसने लगभग लगभग 6 दिन 7 दिन यहाँ पे कंसोलिडेशन किया है, और आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है कि यहाँ पे मैं कौन सी कंडीशन क्रिएट करता हूँ। ये हमें यहाँ पे एन कंडीशन बनी दिखाई दे रही है, एन कंडीशन बनी है, मार्केट ऊपर चला गया है, और ये अभी और ऊपर जाने की क्षमता रखता है, ये अभी और ऊपर जाएगा। मतलब अगर आपने इस लेवल पे भी बाय किया, हम एनालिसिस कर रहे हैं भैया, हम किसी को सजेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये आपका
नहीं करते करते तो 57 तक तो जाना ही है। 57 तक जाने के बाद में भी पॉसिबल कि ये थोड़ा सा कंसोलिडेट करे, क्योंकि कोई भी स्टॉक हो चाहे कुछ भी हो, चार्ट पे जब वो चीज़ें दिखाई देते तो इस तरह का कंसोलिडेशन होना ज़रूरी होता है। एक मूव करेगा कंसोलिडेशन करेगा, एक मूव करेगा कंसोलिडेशन करेगा, ठीक है ना। एक मूव का मतलब एक दिन का मूवमेंट नहीं बता रहा हूँ मैं यहाँ पे, लंबा मूवमेंट 2-3 दिनों का मूवमेंट हो सकता है, 4 रुपये 5 रुपये ऊपर भाग जाए, इसके बाद में 2 दिन 3 दिन कंसोलिडेशन करे, रुके वहाँ पे। कंसोलिडेशन का मतलब क्या है, रुके वहाँ पे, थोड़ा सा प्राइस 1 रुपये या 1.5 रुपये 2 रुपये नीचे आए, फिर वापस से ऊपर जाए, फिर रुके, फिर ऊपर जाए। तो इस तरह हम जब चार्ट एनालिसिस कर रहे हैं तो हमने इसमें पाया कि ये एक बेहतरीन मल्टीबैगर हो सकता है, क्योंकि कंटिन्यू हमने इसको देखा कि मंथली टाइम फ्रेम में भी बहुत बढ़िया काम कर रहा है, और मंथली के साथ साथ वीकली, वीकली के साथ साथ ये हमारा डेली टाइम फ्रेम में बहुत बढ़िया अपसाइड जा रहा है, ठीक है। तो ये कंटिन्यू जो है चलता जा रहा है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे बहुत बढ़िया स्टॉक है ये। तो मेरी तरफ से तो हो गया है, अब आगे का एनालिसिस हमारे योगेश भैया चलो बताएंगे, आप जो लोगों को उनका सिर्फ अनाउंसमेंट बताना है, अनाउंसमेंट जो अनाउंसमेंट है। बताना है। और एक चीज़ और है इस स्टॉक की, जैसे आप देखिए जब IRFC का एनालिसिस हम लोगों ने किया था तो वो 101 रुपये पे था, ठीक है। और उसमें भी सेम पैटर्न बना था जो पैटर्न इस स्टॉक में बन रहा है ना। तो इसका ये मतलब नहीं है कि अगर वो ज़्यादा ऊपर चला गया है तो अपन उसको चार्ट पैटर्न के हिसाब से नहीं ले सकते है ना। तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जब ब्रेकआउट आएगा तो फिर वो लंबा ब्रेकआउट आता है किसी भी स्टॉक में जब आता है, ये चीज़ हमेशा याद रखना है ना। और अब हमारा जो ये मल्टीवेगर जो हम लोगों का अनाउंसमेंट था वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ है ना। ये अनाउंसमेंट ये है कि जो भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं और जो डेली क्लास ज्वाइन करते हैं उनको सिर्फ अभी क्या हो रहा है, वीक में सिर्फ एक ही मल्टीवेगर मिल रहा है ना। वीक में एक ही मल्टीवेगर मिलता है। अब आप लोगों का क्वेश्चन ये होगा कि सर आपने जब IRFC बताया तब तो हम थे नहीं क्लास में है ना, और अभी जब आपने IRB बताया तब भी हम कम लोग हैं, हम लोग नहीं ले पाए। तो हम लोग क्या करेंगे कि आप लोगों को एक स्टॉक की लिस्ट बना के दे देंगे, पर ये उसी इंसान को मिलेगी जो रोज 8:30 बजे YouTube लाइव में आएगा और अपनी प्रेजेंस देगा और पूरे वीडियो को देखेगा लाइव। और 9 बजे उसके बाद जब हम गूगल मीट पे आते हैं जहाँ पे हम ऑप्शन ट्रेडिंग के सारी क्लासेस और स्टॉक डिस्कशन की सारी क्लासेस लेते हैं उसको ज्वाइन करेगा है ना। और उस शीट में वो ये बताएगा कि मैंने ये स्टॉक जो है ये आपके एनालिसिस हम मुझे बहुत पसंद आई। और उस वो जो भी शीट रहेगी वो उसका एक्सेस हम उसी को देंगे जो डेली ये क्लास मिनिमम 15 दिन ज्वाइन करेगा। मिनिमम 15 दिन, आप याद रखिए बात मेरी, मिनिमम 15 दिन आपको ये क्लास ज्वाइन करना है 8:30 बजे यूट्यूब पे और 9 बजे गूगल मीट पे है ना। तो अभी सिर्फ 3 मल्टीवेगर हुए हैं, बट अगर आप 7 से 15 दिन अगर कंटिन्यू क्लास ज्वाइन कर लेते हो तो ये पूरी मल्टीवेगर स्टॉक्स की शीट हम आपसे शेयर कर देंगे, क्योंकि हर हफ्ते एक मल्टीवेगर। अब आप समझिए, ये चीज़ मुझे तब समझ में आई जब मैंने IRFC बताया था, मुझे ये समझ में आया कि वो स्टॉक 15 दिन में 60-70% भाग गया। सारे लोग अफसोस मना रहे होंगे कि यार निकल गया हो तो। क्या है कि एनालिसिस करना एक अलग चीज़ होती है और किसी स्टॉक का भाग जाना एक अलग चीज़ होती है ना। लेकिन अगर आपके पास में शीट होगी ऑलरेडी, और क्योंकि हम लोग एनालिसिस करते हैं वो एनालिसिस अभी इसी स्टॉक को देखिए बताते बताते ये 34 रुपये से लगा के 49 रुपये चला गया, एनालिसिस करते करते ही एक वीक में 6 दिन में इस लेवल की मूवमेंट दे दी इस स्टॉक में। तो इसका ये मतलब नहीं कि स्टॉक रुक जाएगा, बहुत आगे जाएगा स्टॉक है ना। तो अगर कोई ये चाहता है कि भैया वो पर्टिकुलर शीट हमको मिल जाए तो ईमानदारी से 15 दिन कंटिन्यू लाइव क्लास ज्वाइन करो, गूगल मीट पे आओ, उसके बाद में फिर देखो आप, बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लेने वाले हैं हम आपसे, 1 रुपया भी चार्ज नहीं होगा किसी भी चीज़ का, ठीक है। हम एनालिसिस कर रहे हैं, हमारा कोई रिकमेंडेशन नहीं होता है किसी भी लेवल पे है ना, ये ध्यान रखना बात हमारी। हम कोई पैसे चार्ज नहीं कर रहे हैं ना ही किसी तरीके का हम आपको कोई रिकमेंडेशन दे रहे हैं, बट ये हमको ऐसा फील हुआ, मुझे पर्सनली ऐसा फील हुआ एज एन स्टॉक एनालिसिस कि मुझे ये चीज़ करना चाहिए मेरे जो भी, क्योंकि
आप समझिए इस चीज को कि जो लोग गूगल मीट पे आते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ते हैं ना, वो हमारे घर के लोग हो जाते हैं। जब वो क्लास ज्वाइन करते हैं ना तो उनको इतना अच्छा लगता है, उन लोगों के कमेंट्स आते हैं बराबर, वो बोलते हैं कि सर हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि एटलीस्ट आप लोग हमको इस लेवल पे एनालिसिस बता पाते हो, है ना। कोई भी जितने स्टॉक्स मैंने बताए एक बार में कोई भी नाम नहीं बता पाए उन स्टॉक्स के, बताया बाबा, है ना, बाबा ब्राह्मण नहीं, वो बाबा ब्राह्मण ने बताया वो एक अलग बात है, एक इंसान के बता देने से नहीं होता। ऑलमोस्ट अपने वीडियोस कम से कम ये मान के चलो 50-100 लोग देखते हैं, उसमें से एक आदमी ने बता दिया तो वो तो कोई भी बता देगा, है ना। मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं कोई एनालिसिस कर रहा हूँ तो आप मेरे जो एनालिसिस करने का पैटर्न है उसको फॉलो करो। जैसे राजेंद्र जी जब ऑप्शंस की बताते हैं सारी चीज़ें तो आप उनको फॉलो करते हो ना, कि नहीं सर हमको भी ये बॉक्स पैटर्न बनाना है, हमको भी ये चौपाल स्ट्रेटजी बनाना है। वैसे ही ये जो स्टॉक एनालिसिस मैं बताता हूँ, आपको ऐसा स्टॉक एनालिस्ट बनना है ताकि आपको मेरी ज़रूरत ना पड़े, है ना। ये चीज़ हमेशा याद रखो, आप अगर खुद से कोई चीज़ करोगे ना उसका मज़ा अलग होगा। मैंने IRFC बता दिया, किसी ने लिया किसी ने नहीं लिया वो एक अलग मैटर है, लेना नहीं लेना वो आपका पर्सनल डिसीजन है, बट एट द एंड होता यही है कि यार बताई गई थी चीज़ निकल गई हाथ से, हम वो नहीं होने देना चाहते हैं एक्चुअल में। क्योंकि अभी पिछले एक हफ्ते से यही हो रहा है, जब गूगल मीट में मैं कुछ मेरे जो बहुत खास लोग हैं जो मुझे बहुत दिल से फॉलो करते हैं उनके वर्डिंग है कि सर अब नीचे कब आएगा ये, कोई चीज़ अगर ऊपर चली गई तो आप नीचे आने का वेट क्यों कर रहे हो, आप ये भी तो देखो मल्टीवेगर है बॉस, उसके फंडामेंटल इतने स्ट्रांग है, इतने स्ट्रांग फंडामेंटल है, तो आपको क्या लगता है कोई चीज़ 50 रुपये में मिल रही है उसका क्या 25 आने का इंतजार करोगे। और ये भी बता दूं कि एक ऑलरेडी 25 रुपये की चीज़ बता रखी है आपको, तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, मतलब 25 रुपये की भी चीज़ 1000 रुपये जाने की ताकत रखती है, 1000 रुपये की चीज़ 10,000 जाने की ताकत रखती है, और 10,000 की चीज़ 1,00,000 जाने की ताकत रखती है अगर आपको एनालिसिस करते आता है उस स्टॉक का तो, है ना। चलिए तो ये जो अनाउंसमेंट है ये हमारी तरफ से हो गई है, मल्टीबैगर शीट आप लोगों को मिल जाएगी, लिमिटेड टाइम ऑफर है 7 से 15 दिन, कंटिन्यू क्लास ज्वाइन करिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। धन्यवाद आप लोगों का, तीसरा मल्टीबैगर मिल गया है आपको, है ना। चलिए तो गूगल मीट पर मिलते हैं अपन लोग, जिसको जो भी इस स्टॉक के बारे में पूछना है पूछिए, मैं तैयार हूँ बताने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद राजेन जी, थैंक यू योगेश भैया। चलो।